फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुश्री गुप्ता मारवा आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज जो अपनी रेसिपी है चीले की। चीले तो वैसे अपन ने बहुत तरीके के खाए हैं। बेसन का चीला, मेरे को लगता है कि इंडियंस के घर में, सभी के घर में बन ही जाता है बेसन का चीला, मूंग की दाल का चीला, उड़द का दाल का चीला, चावल का चीला। लेकिन आज जो मैं चीला बनाने जा रही हूँ वो पनीर का चीला है। पनीर विथ सूजी मिक्स करके जो मैं चीला बनाने जा रही हूँ, जिसका टेक्सचर आपको इतना स्वाद लगेगा और इतने क्रिस्पी और क्रीमी स्वाद देने वाले ये चीले बनेंगे कि मैं क्या बताऊँ। एक बार तो इसको आप बना के देखिए पनीर का चीला कैसे बनता है। लोग पनीर के काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, पनीर का डोसा बनाते हैं, पनीर की फिलिंग करके फिलिंग भरते हैं बीच में। लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ, जो चीला बना रही हूँ, उसके अंदर हम पनीर को ग्राइंड करेंगे, पीस के पेस्ट में मिलाएंगे सूजी के। तो आइए, अपन को इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये है अपने पास सूजी, जिसको मैंने अभी आधे घंटे पहले भिगो के रखा है। आप इसको जब भी यूज़ करने जाएं और पनीर चीला बनाने जाएं तो सूजी को आधे घंटे के लिए भिगो दें, तो जो सूजी है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमें बढ़िया उसका पेस्ट बनेगा। ये हो गया अपना सूजी भिगी भी आधे घंटे के लिए रखी हुई, और ये हो गया अपना पनीर, ये हो गया जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हो गया नमक, ये हो गया काली मिर्च। ये अपन को चाहिए चीले के लिए। चीले में अपन को नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और पनीर का पेस्ट डालना है, और थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। और चटनी के लिए हमें क्या चाहिए, ये रहा नारियल का बुरादा, और ये अपना दही है, आप घर का भी ले सकते हैं। राई हो गई, साबुत लाल मिर्ची हो गई, ये आपका कड़ी पत्ता हो गया, ये आपकी हरी मिर्च हो गई। तो ये अपन को चटनी बनाने के लिए चाहिए। चटनी बनाने में दही भी लगेगा, वो हो गया, नमक लगेगा ही लगेगा, कॉमन है। तो सब में पहले अपन को क्या करना है, पनीर को ग्राइंड करना है। तो पनीर को ग्राइंड कर लेते हैं पहले अपन। पनीर क्यूब्स भी आते हैं, पनीर जैसा भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये पनीर के हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है पनीर में। साथ अपना पनीर का पेस्ट रेडी हो चुका है, तो मैं इसके बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अब जैसे कि ये पनीर का पेस्ट रेडी है, अब इसमें हम मिलाने जा रहे हैं सूजी। ये आपने सूजी मिला, क्योंकि इसको अपन को कोई बेस तो देना है, तो बेस देने के लिए अपन को सूजी मिलानी पड़ेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अगर पेस्ट लगे आपको गाढ़ी हो रही है तो अभी इसमें मैं दही मिलाने जा रही हूँ थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा और ढीला होगा ये पेस्ट। ये देखिए, ये पेस्ट में अपन ने 2 से 2.5 चम्मच 3 चम्मच दही मिला दिया। जैसे कि अपनी अभी भी पेस्ट इसमें अभी थोड़ी थिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अपना दही में बाजार का है तो वो थोड़ा गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार लीजिए। और ये हो गया काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर का पंच हर चीज में अच्छा लगता है। और ये अपना हो गया जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट में ये टीस्पून ही है, उतना लेके डाल रही हूँ, फुल भर के नहीं, मतलब जितना उसके लेवल में आ जाए बस उतना ही। ये हो गया आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको मिक्स कर लेते हैं ढंग से, जैसे कि अपना बैटर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा थिक है, तो थोड़ा पानी और कि थोड़ी पेस्ट ऐसे लगे, वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो कट्ठा हो जाएगा। ये आपकी पेस्ट रेडी हो चुकी है।
अब अपन को क्या चाहिए, पनीर का डोसा है और पनीर का चीला है, तो पनीर के चीले को आप घी से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो घी से ही बनाएं, मैं यही बोलूँगी। पनीर आपकी एक रिच चीज़ हो गई है और उसके साथ अगर आप उसको तेल में बनाएंगे तो अजीब सा लगेगा। कॉम्बिनेशन किससे जाएगा? घी और पनीर। तो पनीर चीला फिर अच्छा स्वाद देगा। तो अभी मैं गैस ऑन करिए, मैं इसकी फ्लेम थोड़ा तवा गरम कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें बैटर डालूँगी, घुमा के डालूँगी। जैसे कि मेरा तवा ये गर्म हो चुका है, मैंने इसमें थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब घी डाला था, छोटा टीस्पून। तो अब मैं इसमें बैटर डालने जा रही हूँ। ये बैटर आप डालिए, बैटर अपने आप फैलता जाएगा, और अगर नहीं फैलता है तो उसको थोड़ा सा फैला लीजिए, क्योंकि बहुत स्मूथ बैटर बना है इसका, ये अपने आप फैलता जाएगा। ये साथ जैसे ये साइड में से सिकना शुरू हो गया बीच में से भी, तो हल्का हल्का घी आप डाल दीजिए इसमें, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में अपन बनाते हैं कोई चीज़ तवे पे तो ज़्यादा घी तेल नहीं लगता है। तो वो कहने की बात हो जाएगी कि अपन घी में बना रहे हैं या तेल में बना रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं लगता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसको फ्राई करके खाना चाह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो आपके साथ, देखिए कितना सुंदर क्रिस्पी सिका है और इतना सुंदर दिख रहा है, ये मज़ेदार है। ये मेरे को बनाने से ही मुँह में पानी आ रहा है। मेरा एक बिगड़ गया था, वो टूट गया था मेरा, तो मैंने दोबारा बनाया, इसलिए मेरा छोटा दिख रहा होगा अब आपको। सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है पनीर का जो चीला है, बनेगा बहुत सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। मैं क्या बोलूँ, क्रंची भी लगेगा, क्रिस्पी भी लगेगा। आप इसका बैटर पतला डालेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा, थोड़ा मोटा डालेंगे तो क्रिस्पी तभी भी बनेगा, लेकिन थोड़ा थिक रह जाएगा। तो मैं पतला बनाया। तो अब अपन को ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, पर ये मेरा नीचे से भी सिक रहा है, तो वेट करती हूँ नीचे से सिकने का। साथ ही मेरा डोसा सिक चुका है, चीला डोसा जो भी बोलें सिक चुका है। मैं इसको प्लेटिंग करने जा रही हूँ। अब मेरे को पहले चटनी बनानी है प्लेटिंग करने से पहले। तो ये देखिए चीला आपका नीचे से कितना सुंदर सिका है, ये देखिए बहुत ही सुंदर। के लिए मेरे को अपन को लेना है जार, और फिर मैंने ये नारियल पाउडर लिया है, यानी कोकोनट पाउडर है, मार्केट में मिल जाता है अवेलेबल। लेकिन अगर आप फ्रेश कोकोनट का बनाते हैं तो जो अपना पानी वाला नारियल आता है, जो जटा वाला जो पूजा में रखा जाता है, वो ले लीजिए। उसकी चटनी भी बहुत बेहतरीन बनेगी और इसकी भी बहुत अच्छी बनती है। अगर किसी को इंस्टेंटली बनाना है तो घर में ये अक्सर लोगों के यहाँ पड़ा ही रहता है कोकोनट पाउडर, तो मैं ये कोकोनट पाउडर ले रही हूँ। ये चटनी तो हम लोग ऐसे खाते हैं जैसे सब्जी खा रहे हैं, तो ये इतनी स्वाद बनती है चटनी। तो ये अपन ने कोकोनट पाउडर ले लिया है, इसमें अब मैं डालने जा रही हूँ थोड़ा सा दही पहले डालूंगी, फिर पानी डालूंगी, थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, क्योंकि मैं पानी कम ही ऐड करती हूँ कोकोनट चटनी में। तो इसमें ये डाला अपन ने थोड़ा सा दही, और ये थोड़ा सा पानी, और इसी के साथ अपन को इसमें डालनी है ये हरी मिर्ची। हरी मिर्ची जितनी आप अपने स्वाद के हिसाब से लेके जाना चाहें तीखा, तो क्योंकि कोकोनट की मिठास, दही की खटास और मिर्ची का तीखापन जब एक कंबाइंड होके जब जो टेस्ट देगा वो भी बहुत बेहतरीन लगने वाला है। मैं इसके अंदर कोई चना दाल नहीं मिला रही, जो चने आते हैं भुना हुआ चना नहीं मिला रही, कुछ लोग चना दाल भी मिला देते हैं, मूंगफली मिलाते हैं। मैं प्योर कोकोनट चटनी बनाने जा रही हूँ, तो वो आपको बहुत ही अलग स्वाद में लगेगी, मिठास खटास और तीखापन। देखिए अब मैं इसमें मिला रही हूँ नमक, नमक स्वाद अनुसार। साथ देखिए चटनी पिस चुकी है। चटनी हमेशा याद रखिए कि दरदर ही पीसनी चाहिए, ये दरदरी तो नहीं है लेकिन ठीक है, इतना टेक्सचर इसका सही है। और जैसे ये पेस्ट भी नहीं कह सकते और इसको ज़्यादा दरदरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अभी मैं दही जब ऐड करूँगी और, तो ये थोड़ी पेस्ट लुक में आ जाएगी। तो देखिए अपन को क्या करना है, चटनी के लिए मैंने बाउल लिया, अब इसमें अपन निकाल लेते हैं इसे। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है, अब मैं इसमें दही मिलाने जा रही हूँ। ये दही, आप जितनी पतली चटनी खाना चाहते हैं, कुछ लोग पतली टेक्सचर वाली चटनी खाते हैं और कुछ लोग गाढ़ी वाली खाते हैं, तो मैं पतली वाली नहीं, थोड़ी पतली और सेमी लिक्विड रखती हूँ मतलब चटनी को। तो आप अभी इसको ऐसे कर लीजिए, पानी भी मिलाना चाहे तो पानी मिला सकते हैं, लेकिन इसमें दही जितना अच्छा मिलाएंगे ना उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैं प्रेफर ये करूँगी कि आधा दही और आधा पानी मिलाइएगा, तो बहुत बढ़िया है चटनी बनने वाली है। अब जैसे कि पेस्ट रेडी हो गई, अब इसमें हमें क्या लगाना है, छौंक। तो अब मैं छौंक लगाने जा रही हूँ। छौंक के लिए अपन ले लेंगे छोटा पैन,
इसमें लगेगा ऑयल का तड़का। तो मैं ऑयल आपको बताया था कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ये मस्टर्ड ऑयल है। थोड़ा सा ही ऑयल चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, दो ढाई चम्मच का, वो भी टीस्पून। तो गैस ऑन कर लेते हैं। तो क्योंकि मस्टर्ड ऑयल मैंने लेती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा पकाना पड़ता है, उसकी झार निकालनी पड़ती है। तो मैंने झार निकाल ली है उसकी। अब गैस थोड़ा सिम कर लीजिए, क्योंकि आप इसमें राई डालने जा रहे हैं, तो राई अपन को ऐसे में डालनी कि जले नहीं, वो बस तड़क जाए, जैसे तड़कती ना तड़ 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 आवाज़, उस तरीके की तड़क जाए। फिर हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। तो ये आप डालिए राई, कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे ये लाल मिर्च को, ऐसे तोड़ लीजिएगा। थोड़ा सा लिटिल बिट इसको हल्का सा, हमें ज़्यादा काला नहीं करना मिर्च को, हल्का सा लगे कि हाँ स्मेल आ रही है पकने की, बस ये बंद कर दिया। और सीधे डायरेक्ट हम इसको इसमें ये चौंक डाल देंगे। तो ये आपकी चटनी रेडी हो चुकी है। आप इसको मिक्स कर लीजिए, चख के भी देख सकते हैं कि नमक कमती ज़्यादा तो नहीं हो गया है, देख सकते हैं। और ये चटनी अल्टीमेट चटनी है नारियल की, लोग हमेशा मिक्स करके ही बनाते हैं, मैंने देखा है अक्सर लोगों को बनाते हुए, मेरे घर में भी मिक्स करके बनाई जाती है, लेकिन मैं नारियल की बनाती हूँ। तो ये अपनी चटनी रेडी है, और इसी के साथ मेरा चीला जो मैंने रेडी कर लिया था पहले, और अब मैं ये चटनी इसमें डालने जा रही हूँ। ये देखिए चटनी तो ऐसी है कि खाते जाएंगे आप। ये देखिए और चीला, ये दोनों रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है चीला, अभी तक ये क्रिस्प है इसमें। ये देखिए आवाज़ अभी भी आएगी इसमें, क्रिस्पी बने की, क्रिस्पी जो परत होती है वैसी लग रही है, कुरमुरी। तो ये मेरा चीला रेडी हो चुका है खाने के लिए, पनीर चीला या पनीर डोसा, जिसे आप जिस भी भाषा में कहना चाहे, लेकिन ये है पनीर का, है बहुत स्वाद, हेल्दी है। बच्चों को पता ही नहीं पड़ेगा कि वो क्या खा रहे हैं, जो पनीर नहीं खाते, कुछ लोग बच्चे अवॉइड करते हैं हमें पनीर नहीं खाना, तो उनको इस तरीके से खिलाने में बड़ा आसान रहेगा, सभी को पसंद आने वाला होगा ये नाश्ता। संडे को बनाइए, किसी भी दिन बना सकते हैं, चटनी बनाइए इस तरीके से, पनीर का चीला बनाइए और खाइए। बेसन का चीला तो अब बहुत लोग खा खा के मेरे को लगता है ऊब ही चुके होंगे अपन इंडियंस, लेकिन इस तरीके का चीला भी एक बार ट्राई करना बनता है, और बनाइए। मेरे को तो देख के फिर से मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं चलूँ इसको खाने के लिए। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रेसिपी को लाइक करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।